देखो बच्चों, हम जो चैप्टर कर रहे हैं ये चैप्टर जो है लीनियर इनइक्वालिटीज और लीनियर प्रोग्रामिंग का है। असल पोर्शन जो है वो लीनियर प्रोग्रामिंग का ही है। इसके अंदर लीनियर इनइक्वालिटीज को समझना जरूरी है अगर आपने लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो वो तो मैं 9.1 में देख लिया कि लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करना है। एक वेरिएबल के अंदर, अगर दो वेरिएबल के अंदर लीनियर इनइक्वालिटी थी तो हम उसको ग्राफ करते थे और उसका सॉल्यूशन मालूम करते थे, वो भी हमने लास्ट टाइम सीख लिया था। अच्छा, अगर दो वेरिएबल के अंदर दो या तीन इनइक्वालिटीज हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, तो उनको कैसे ग्राफ पे ड्रॉ करना है और सॉल्यूशन कैसे निकालना है, वो भी हमने 9.1 में देख लिया था। तो अब हम प्रॉपर तरीके से तैयार हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन करने के लिए। अच्छा, लीनियर प्रोग्रामिंग में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है उस टर्म को आप कहते हो फिजिबल सॉल्यूशन। ये पूरा 9.2 का टॉपिक है, फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल सॉल्यूशन भी कहा जाता है, या इसको सॉल्यूशन स्पेस, रीजन, कुछ भी आप बोल दो जिसके नाम है। ये होता क्या है बच्चों? ये वो जगह, ये वो ग्राफ का हिस्सा होता है जिसको आप शेड कर रहे होते हो। अगर आपको याद हो, जब आप तीन या चार इनइक्वालिटीज को लास्ट क्लास में हमने ड्रॉ किया था तो आप देखते थे कि वो कॉमन कहाँ पे है। शेड तो आप सबको कर दिया करते थे, किसी को अबव किसी को बिलो। आप देखते थे कि इनका इंटरसेक्शन वाला क्या रीजन है। तो जो इंटरसेक्शन वाला पूरा रीजन होता है ना, उसको आप कहते हो फिजिबल सॉल्यूशन। लेकिन उसमें एक दो चीजें मजीद आप लगा देते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास दो इनइक्वालिटी हैं, 2x+3y is greater than or equal to 4 और 3x+4y इज लेस देन इक्वल टू 5। मे भी इनका कोई सॉल्यूशन स्पेस हो भी है। नाउ मैं रैंडम एग्जाम्पल दी है आपको, शायद कोई कॉमन रीजन नाउ इनका मुझे नहीं पता। कहने का मकसद यहाँ पे ये यह है कि कुछ ना कुछ तो होगा, शायद अनबाउंडेड होगा लेकिन कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन तो नहीं है ना ये। बहरहाल, जो इनका इंटरसेक्शन वाला रीजन है ना, उसको आप बोलते हो फिजिबल सॉल्यूशन। लेकिन जो फिजिबल सॉल्यूशन बोला जाता है ना, वो उस वक्त बोला जाता है कि जब आपके पास ये वाली चीज भी मौजूद है, कि जिसमें आपके पास एक्स, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। आप इस तरह समझ लो कि कंसीडर कर लो, एक इनइक्वालिटी आपके पास इस तरीके से है, ठीक है? अच्छा जी, एक इनइक्वालिटी आपके पास इस तरीके से है, और कंसीडर कर लो दोनों का सॉल्यूशन जो है वो बिलो है, कंसीडर कर लो। तो अगर आप इस लीनियर इनइक्वालिटी को देखो, इसका सॉल्यूशन भी नीचे है, और इसको देखो, इसका सॉल्यूशन भी नीचे है, तो असूलन तौर पे इनका कॉमन रीजन क्या होना चाहिए? ये वाला। थोड़ा सा ऊपर नहीं आएगा, बिल्कुल यहां से स्टार्ट होगा। ये वाला इनका कॉमन रीजन होना चाहिए। आप इस रीजन में देखो दोनों मौजूद है। ये जो पूरा रीजन है, ये इनका क्या होगा? फिजिबल सॉल्यूशन होगा। लेकिन ये जो फिजिबल का वर्ड आप बोलते हो ना, ये नॉर्मली हम उस वक्त बोलते हैं जब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो आपने क्या करना है, मजीद दो रिस्ट्रिक्शन लगानी है। दो रिस्ट्रिक्शन क्या है कि एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। एक्स पॉजिटिव कब होता है? जब वो ऊपर होता है, सॉरी, एक्स पॉजिटिव कब होता है? जब वो राइट की तरफ होता है, ठीक है? और वाई पॉजिटिव कब होता है? जब वो ऊपर होता है। तो कहने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपने सॉल्यूशन लाना है। तो जो सॉल्यूशन इनका फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, मैं उसको कर लेता हूँ, ये वाला। अगर आप इस वाले सिर्फ रीजन को देखो, ये वो कॉमन रीजन है जो कि दोनों को सेटिस्फाई भी कर रहा है और साथ साथ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो इस वाले रीजन को आप क्या बोलोगे? फिजिबल सॉल्यूशन, जो आपको मालूम करना होगा। वंस आपके पास फिजिबल सॉल्यूशन आ जाएगा तो आप आसानी से लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो 9.2 में आपके पास एग्जैक्टली वही चीजें हैं जो 9.1 में थी। आपके पास लीनियर इनइक्वालिटीज हैं, आपने उनको ड्रॉ करना है, बस उनमें एक मजीद शर्त ऐड हुई भी है जो मैं 9.1 में भी आप लोगों को बताई थी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो रीजन है वो आपको मालूम करना है। तो मैं 9.2 का एक ही सवाल करवा देता हूँ ताकि दोबारा रिविजन भी हो जाए लास्ट क्लास अगर आप लोगों को भूल चुके हो। अपन इंशाल्लाह 9.3 में आ जाएंगे कि लीनियर प्रोग्रामिंग को कैसे सॉल्व करना है। अच्छा, अगेन मुझे पता नहीं है कि इसके सवाल जो है ये ग्राफ में आएंगे या नहीं आएंगे, ये मुझे अभी फिलहाल इस पॉइंट पे क्लियर नहीं है। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बता दूंगा, लेकिन ये इसलिए भी मैं करवा रहा हूँ, हालांकि 8.3 8.4 मैंने कहा था छोड़ दो ग्राफ पे, क्योंकि उसमें सिर्फ आपको प्लॉटिंग करनी है। उसके अंदर कोई नया कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्ट लेकिन ऐसे कोई बहुत ज्यादा नया कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ काम प्लॉटिंग का नहीं है, यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना और ग्राफ करना तो बहुत छोटा सा पोर्शन है। असल तो आपने सॉल्व करना है, इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, इसलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को करवा रहा हूँ। जब आप लोग पेज पे ग्राफ सीख लोगे तो जब ग्राफ पेपर आए उस पर बनाना भी आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा, ठीक है? वो इंशाल्लाह हम बाद में देख लेंगे, जो आपके पास आएगा ना मॉडल पेपर, उसमें आइडिया हो जाएगा कौन से ग्राफ के क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। खैर, आप लोग ये 9.2 पे आ जाओ, 9.2 पेज नंबर 2710 पे आपको मिलेगी। उसकी थ्योरी पूरी बुक में डिस्कस हुई भी, एग्जाम्पल सारे डिस्कस है। मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आप 9.2 में देखो, दो ही क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज एंड आइडेंटिफाई द फिजिबल रीजन। उसके बाद लिखा हुआ है कॉर्नर पॉइंट, तो मैं बताऊंगा कॉर्नर पॉइंट क्या होते हैं।
इसी तरह क्वेश्चन नंबर टू में आओ, लिखा हुआ है ड्रॉ ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इनक्वालिटीज एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन स्पेस। मैंने कहा था सॉल्यूशन स्पेस बोले या फिजिबल सॉल्यूशन, फिजिबल रीजन कुछ भी बोले, एक ही बात होती है। और अगेन आपको कॉर्नर पॉइंट बताने, तो कहने का मतलब दोनों सवालों में आपने सेम ही काम करना है, असल चीज है कि आपको इनइक्वालिटी ड्रॉ करनी आनी चाहिए। तो मैं एक सवाल आप लोगों को बताता हूँ, देते हैं कोई सवाल फॉर एग्जाम्पल जिसके अंदर तीन इनइक्वालिटीज आ जाए। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट थ्री में लेता हूँ और उससे आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। अच्छा जी, देखो बच्चों, अगर आप लोगों को याद हो, सबसे पहला स्टेप आपको हम क्या करते थे। अच्छा नॉर्मली ना, जब आप, खैर इसको भी छोड़ो, ये मैं बाद में बताता हूँ। अच्छा पहला स्टेप आपका क्या होता था, एक सेकंड रुको। पहले स्टेप में आप क्या करते थे कि असल में इनको ड्रॉ करना है, ड्रॉ करने के बाद ही सब प्रोसेस होंगे। तो ड्रॉ करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इनकी एसोसिएटेड इक्वेशन मालूम करो और उस एसोसिएटेड इक्वेशन को ड्रॉ करो। ड्रॉ करने का तरीका लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि आप एक्स इंटरसेप्ट निकालो, वाई इंटरसेप्ट निकालो और ड्रॉ करते जाओ। ड्रॉ करने के बाद आपको समझ आएगी कि बिलो का रीजन है या अबव का रीजन है, वो हम ओरिजिन पुट करके देख लेंगे। तो दोबारा प्रोसेस आप लोग देख लो, लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। सबसे पहले हम ये तीन लीनियर इनक्वालिटीज हैं, वैसे तो पांच हैं, हमारे मतलब की तीन है, इनको तो ऐसा सॉल्व नहीं करना ना। तो सबसे पहले आप इनइक्वालिटी नंबर वन जो है ना, सॉल्व करते हैं। और कैसे सॉल्व करेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे यहाँ पे। तो एसोसिएटेड इक्वेशन यहाँ पे क्या है, 6x + 5y = 14, ये इक्वेशन हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, इसको ग्राफ पे सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इंटरसेप्ट काफी अजीब आएंगे। चलो देख लेते हैं इसको फिर भी। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे एक्स और वाई इंटरसेप्ट निकालने। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए मैंने बच्चों लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि आपको वाई की जगह जीरो पुट करना होता है। तो वाई की जगह पे आप क्या करो, जीरो पुट कर दो, आपके पास इक्वेशन आएगी 6x = 14। सॉल्व करना ये हो जाएगा 14/6, 2 से अगर डिवाइड करोगे तो 7/3 हो जाएगा। तो आप इसको पॉइंट की फॉर्म में कैसे लिखोगे, 7/3, 0, क्योंकि वाई वैल्यू उसकी जीरो है ना, एक्स इंटरसेप्ट आपने निकाल लिया। फिर आपको निकालना है यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, एक्स की जगह जीरो पुट करते हैं। तो एक्स की जगह पे यहाँ पे जीरो पुट कर दो, पीछे बचेगा 5y = 14। 5y = 14, y बराबर हो जाएगा 14/5 के। पॉइंट के फॉर्म में लिखोगे तो हो जाएगा 0,14/5। ये आपका एक्स और वाई इंटरसेप्ट आ गया। जब आपके पास ये आ जाए, अब आपको मालूम करना है यार इसका अबव है या बिलो है। वैसे मैं एक तरीका आप लोगों को बता दूं, ओरिजिन पुट किए बगैर भी आप मालूम कर सकते हो। अगर आप अपनी इक्वेशन देखो ना, उसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, तो अगर ग्रेटर वाली इनइक्वालिटी लिखी हुई है तो अबव होगा, और अगर लेस वाली इनइक्वालिटी होगी तो बिलो होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपकी इक्वेशन में वाई वैल्यू जो है अगर वो नेगेटिव है, ठीक हाँ वाई के हिसाब से बात कर रहे हैं, अगर तो एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं, तो मैंने बताया अगर ग्रेटर है तो अबव, लेस है तो बिलो। लेकिन अगर वाई की टर्म नेगेटिव है, जैसे आप इस इनइक्वालिटी में देखो वाई की टर्म यहाँ पे नेगेटिव है, तो जब आपका वाई नेगेटिव है ना, तो अगर लेस की इनइक्वालिटी है तो अबव वाला रीजन होगा, उल्टा हो जाएगा कि अगर लेस वाली इनइक्वालिटी है तो अबव वाला शेड करोगे आप, और अगर ग्रेटर वाली इनइक्वालिटी है तो बिलो वाला शेड करोगे आप। ये उल्टा उस वक्त होगा जब वाई नेगेटिव आ जाए। उसकी रीजन ये है कि आप नेगेटिव से इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, दैट्स द उल्टा कॉन्सेप्ट है। तो जब हम ये ड्रॉ करेंगे ना, तब भी मैं दोबारा आपको बता दूंगा कि क्या मतलब है मेरा कहने का। लेकिन अल्जेब्रिक मेथड आप कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आप ओरिजिन पुट करके तसल्ली अगर करके सर देख एक्स लो अब माइनस अवेयर। यार एक्स माइनस हो तो ऐसा मसला है नहीं, अब मैं तुम्हें बता देता हूँ असल में मैं क्या क्यों रहा हूँ। ये देखो वजह, असल कॉन्सेप्ट इसका ये होता है, ये मैंने तुम लोगों को जुगाड़ बताई थी लेकिन सवाल पूछ लिया तुमने, तो फिर मेरा बताना काम। 6x को उधर ले जाओ, उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। 5 को डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 14/5 - 6/5। असल में इनक्वालिटी को आप पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हो और उसके बाद आप ड्रॉ करते हो। तो अगर वाई के साथ ग्रेटर आ रहा है तो आप अबव वाला रीजन रखोगे, ठीक है, और अगर बिलो आ रहा है तो आप लो वाला रीजन रखोगे। वाई का मतलब क्या होता है कि आपके जो फंक्शन की वाई वैल्यू है, अब वो वाई वैल्यू ग्रेटर है तो उसका मतलब अबव वाला रीजन आप कर रहे हो। मसला उस वक्त होता है जब बिलफर्ज यहाँ पे नेगेटिव आ जाए, एक्स का कोई लेना देना नहीं होता, वो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ देगा क्यों लेना देना नहीं है। अगर वाई के साथ नेगेटिव आए तो क्या होता है, आप इसको दे लेके जाओगे नेगेटिव, यहाँ पे ये सिचुएशन होगी, ठीक है। अब जब आप -5 से डिवाइड करोगे ना अपनी इनइक्वालिटी को, तो साइन चेंज हो जाएगा। मैंने कहा था जब नेगेटिव नंबर से डिवाइड करो तो साइन चेंज होता है। तो जब आप -5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ तो आपने -5 से दोनों को डिवाइड कर दिया, लेकिन साइन भी आपको चेंज करना पड़ेगा, तो इनइक्वालिटी इस टाइप की हो जाएगी। तो तभी मैंने कहा था कि अगर नेगेटिव साइन आ रहा है और अगर ग्रेटर है तो बिलो वाला रीजन शेड करना, क्यों,
एंड पे आपके पास बिलो वाला रीजन ही आ रहा होगा, क्योंकि आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर नेगेटिव आ जाए एक्स के साथ, कोई इशू नहीं है। जैसे मेरे पास ये पॉजिटिव है, ये इसके साथ नेगेटिव है, फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? माइनस एक्स उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अगेन वही 5 को आप डिवाइड करोगे, तो सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है। तो आपको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। अगर ग्रेटर वाला था तो अभी भी ग्रेटर आएगा। तो एक्स के साथ नेगेटिव आ जाए कोई इशू नहीं है, वाई के साथ आता है ना तब मसला आता है, क्योंकि आपको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्लियर हुई बात? ये कॉन्सेप्ट था। तो ये अब मुझे पता है कि इसका बाप का रीजन है, लेकिन एहतियात ना चेक कर लो ओरिजिन पुट करके यहाँ पे। तो आप यहाँ पे ओरिजिन पुट करो इनइक्वालिटी 1 में, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करेंगे हो जाएगा 0 + 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 14, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो ओरिजिन इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, तो जिस रीजन में ओरिजिन आ रहा होगा उसको आप शेड नहीं करोगे, दूसरे वाले को शेड करोगे, ठीक है। तो जब मैं ड्रॉ करूंगा आप लोगों को बता दूंगा उसको। इतना हमें समझ आ गया कि ओरिजिन इसका सॉल्यूशन नहीं है, मतलब आपकी जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग होगी, है ना। इसका मतलब ओरिजिन सॉल्यूशन नहीं है, ओरिजिन को आपने शामिल नहीं करना। ये बात का काम है, हम इनइक्वालिटी 2 पे आ जाते हैं। इनइक्वालिटी 2 ये मौजूद है, ठीक है। एसोसिएटेड इक्वेशन लिखो इसकी, 4x + 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब आपका क्या काम है? एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालना। अच्छा, एक्स इंटरसेप्ट के लिए आप क्या करते हो, वाई की जगह 0 पुट करते हो ना, वाई की जगह 0 पुट किया, इक्वेशन आएगी 4x = 10, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5/2, पॉइंट की फॉर्म में लिखो तो 5/2, 0। अब वाई इंटरसेप्ट की बात करते हैं, वाई इंटरसेप्ट आ गया। अच्छा जी, क्या करना है, एक्स की जगह पे 0 पुट करना है, 2y बराबर हो जाएगा 10 के और y बराबर हो जाएगा 5 के, पॉइंट की फॉर्म में लिखो तो 0.5, ठीक है। अगेन जरा चेक करते हैं ओरिजिन पुट करके, तो इनइक्वालिटी आपकी थी ये वाली, इसमें आप पुट करो ये भी 0, ये भी 0 और लेस देन इक्वल टू 10 है। तो 0 < 10 होता है, बिल्कुल सही बात है, 0 10 से कम ही होता है। इसका मतलब स्टेटमेंट आपकी ठीक है, ओरिजिन इसका सॉल्यूशन है। तो ओरिजिन जिस रीजन में आ रहा होगा इस इनइक्वालिटी के, वो रीजन आपने शेड करना होगा। अब आखिरी है, वो है इनइक्वालिटी 3। ये सब लास्ट क्लास के काम है, मैं इसलिए दोबारा करवा रहा हूँ ताकि रिविजन आपकी हो जाए, क्योंकि लीनियर प्रोग्रामिंग हमने कंप्लीट करनी है, उसके लिए ये कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। तो अगेन एसोसिएटेड इक्वेशन लिखो आप, क्या है, 3x - 2y = 8। अच्छा, सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट। अगेन वही बच्चों, वाई की जगह पे आपने 0 पुट करना है, आपकी सिंपल बचेगी 3x = 8। सॉल्व करो, एक्स बराबर है 8/3 के, पॉइंट की फॉर्म में लिखो तो 8/3, 0। वाई इंटरसेप्ट में एक्स की जगह पे 0 पुट कर दो, ये हो जाएगा -2y = 8, वाई बराबर हो जाएगा -4 के, पॉइंट की फॉर्म में लिखो 0, -4। अब आखिरी चीज, ओरिजिन पुट करो यहाँ पे, तो इनइक्वालिटी थी यहाँ पे पुट करो 0 0 - 0 < 8। ये है 0 < 8, डेफिनेटली बात ठीक है, 0 8 से कम होता है, इसका मतलब ओरिजिन इसका सॉल्यूशन है। तो पहली वाली इनइक्वालिटी में ओरिजिन सॉल्यूशन नहीं है, जबकि दूसरी और तीसरी में ओरिजिन सॉल्यूशन होगा। जब आप इतना कर चुके हो, अब आपके पास आराम से सब डाटा मौजूद है, आप आसानी से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। अब अगेन ये ग्राफ वाला पार्ट जो है, ये एक्चुअल आपको ग्राफ पे करना होगा या वैसी रफली बनाना होगा, ये मुझे कंफर्म नहीं है। इनशाला कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद जब मॉडल पेपर आएगा किसी और टीचर से मैं पूछ लूंगा। अभी असल में दूर है थोड़ा, इसलिए कोई बता नहीं रहा होता, कितने सेंटर्स में चैप्टर स्टार्ट भी नहीं हुआ हुआ अभी, वो बाकी चैप्टर्स से ज्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन बड़ी काम की चीज है ये। तो खैर इंशाल्लाह बाद में कंफर्म हो जाएगा। तो अब जरा ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ रफली मैं भी बना रहा हूँ, वो आप लोगों को लास्ट टाइम सिखाया था किस तरीके से बनाते हैं। तो इसमें हमने ज्यादातर काम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर करना है, क्योंकि शर्त आपकी लगी हुई है ना कि एक्स और वाई दोनों ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम करना है। तो मैं ग्राफ भी उस टाइप के ही बनाता हूँ कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तकरीबन ज्यादातर आ रहा होगा। सबसे पहले को जरा सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसमें वैल्यूज 7/3 जो है बच्चों, ये होगा तकरीबन 2.33,
14/5 जो है ये ऑलमोस्ट हो जाएगा 2.8। गलती हो सकती है बता देना, अगर कैलकुलेटर तो वेरीफाई कर लो। अच्छा जी, 5/2 जो है वो होता है 2.5, और 8/3 जो है ये होता है 2.66, और हाँ बाकी तो सही है। तो अगर आप देखो मैक्सिमम एक्स वैल्यू आपको कौन सी नजर आ रही है, 2.33 है ना, सबसे बड़ी एक्स वैल्यू आपको 2.66 नजर आ रही है। तो इतनी लंबी आपको स्केलिंग नहीं चाहिए एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्स और एक्स एक्सिस पे कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब नेगेटिव पे जाने की आपको जरूरत नहीं है। अब वाई की देखते हैं, वाई की सबसे बड़ी वैल्यू अभी तक 2.8 है, यहाँ पे 5 है, 0 -4। तो पॉजिटिव में देखो मैक्सिमम 5 है, नेगेटिव में -4 है, तो वाई एक्सिस पे भी आपको बहुत बड़ी नंबरिंग की जरूरत नहीं है। तो हम एक इजी नंबरिंग करते हैं, किस तरीके से होगी, कंसिडर कर लो इसको आप 1 2 करके देख लेते हैं। तो ये 1 हो गया, ये 2 3 4 5। वाई एक्सिस पे आपको ऊपर नीचे दोनों जगह नंबरिंग चाहिए, तो सेम ही रखते हैं स्केल 1 4 5। अगेन -1 -2 -3 -4। नेगेटिव में आपको -4 तक जाना है, तो वहीं तक हम कर लेते हैं। चलो अब ड्रॉ करने वाला पार्ट है, अंदाजन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है 2.33, 0, मतलब एक्स एक्सिस पे बनेगा ना, वाई वैल्यू 0 है इसकी। और 2.33 कहाँ होगा, देखो ये 2 है ये 3 है, तो 2.3 तकरीबन 2 के पास होगा, तो कंसीडर कर लो ये वाला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट क्या था, 0, 2.8। 2.8 कहाँ पे होगा, भाई ये 2 है तो 2.8, ये मैंने थोड़ी स्केलिंग ना यहाँ से ऊपर ज्यादा कर दी, इसको नीचे कर लेते हैं। 2.8 जो है वो तकरीबन 3 के पास होगा, ये 3 है ना, तो इसके पास तकरीबन 2.8 होगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। तो आप लोगों के पास तो स्केल होगा, उसे ज्वाइन कर देना, ठीक है, शेड बाद में कर लेते हैं। फिर दूसरी इनइक्वालिटी क्या है, दूसरी है 2.5, 0। 2.5 कहाँ पे होगा, बिल्कुल दरमियान में होगा, ये 2 है ये 3 है, तो 2.5 बिल्कुल यहाँ पे होगा। और दूसरा पॉइंट है 0.5, ये है 5 पॉइंट, वाई एक्सिस पे होगा। अब जरा इसको कर देते हैं, ये दूसरी इनइक्वालिटी हो गई है। तीसरी क्या है, तीसरी है बच्चों 2.66, 0, सब 2 पॉइंट में फंसे हैं। 2.66 बिल्कुल 3 के पास होगा, तो तकरीबन इनके साथ ही होगा 2.66, बहुत माइन्यूटली सा फर्क होगा। और दूसरा पॉइंट क्या है, 0, -4, -4 वाला पॉइंट यहाँ पे, 0, -4। अब जरा इसको ज्वाइन करते हैं, ये अब आपकी आ गई तीसरी इनइक्वालिटी। अब आपने देखना है कि कॉमन रीजन कौन सा है यहाँ पे। सबसे पहली, अगर आप पहली इनइक्वालिटी को देखो तो ओरिजिन मैंने बताया था सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब ओरिजिन इसके नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब नीचे वाला रीजन नहीं हो सकता, ऊपर वाला रीजन ही होगा। तो पहली बात हमने सीख ली कि जो पहली इनइक्वालिटी है इसके ऊपर ही आपने शेड करना है, नीचे शेड नहीं कर सकते, क्योंकि नीचे वाले रीजन में ओरिजिन आ रहा है और ओरिजिन इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो आपने देखा पहले में आपने ऊपर करना है। अब दूसरी में अगर आप देखो ओरिजिन इसका सॉल्यूशन था, अब जरा दूसरी में देखो ओरिजिन कहां पे, ये दूसरी है, ओरिजिन इसके नीचे है, यहां पे ओरिजिन है ना, इसका मतलब दूसरी इनक्वालिटी के लिए आपको बिलो करना पड़ेगा शेड, क्योंकि ओरिजिन इसका पार्ट है। इसी तरह तीसरी में अगर आप देखो तो ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, अब ओरिजिन कहां पे, ये तीसरी है, अगर आप देखो इसके अबव जो है वो ओरिजिन आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो पहली इनक्वालिटी है इसके अबव जो है इसके अबव, और दूसरी जो है इसके बिलो, तरह लिख भी सकता हूं यहाँ पे, यहाँ पे क्या होगा, ये है अबव, अच्छा जी, दूसरी के बिलो था ना, हाँ दूसरी के बिलो और तीसरी के भी अबव, ये आपको शेड करना है ना। और अगर आप देखो, ये बात मैं डायरेक्ट भी आपको बता देती, कैसे मैंने कहा था ये वाई पॉजिटिव है ना, यहाँ पे ग्रेटर वाली है, इसका मतलब अबव वाला रीजन, अबव आ गया। अच्छा वाई पॉजिटिव है ना, लेस वाला है, इसका मतलब बिलो वाला रीजन, बिलो आ गया। अगर यहाँ पे वाई पॉजिटिव होता, लेस वाला है तो बिलो होना चाहिए था, पॉजिटिव होता, लेस का मतलब बिलो, लेकिन वाई यहाँ पे नेगेटिव है, तो अब लेस का मतलब उल्टा हो जाएगा, लेस का मतलब अबव हो जाएगा, देखो अबव आ गया। तो ये मैं डायरेक्ट इक्वेशन देख के भी बता सकता हूँ, लेकिन फॉर्मेलिटी अगर चाहो बुक के स्टेप्स को फॉलो करो, और आप बोलोगे भाई ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, उस हिसाब से करो तो भी इस नतीजे पे आप पहुंचोगे, वरना डायरेक्ट भी आप बता सकते हो। तो अच्छी बात है, दोनों कॉन्सेप्ट आपको बताऊं तो वेरीफाई कर लेना, आसानी हो जाएगी, मिस्टेक के चांसेस कम हो जाएंगे। अब पार्ट है इसको शेड करने का, अब वो काफी खराब पार्ट होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सोच लो ना ऑलरेडी आपको समझ आ जाएगा क्या करना है यहाँ पे। सबसे पहली बात,
ये जो रीजन है पूरा जो मैं बता रहा हूँ ना आप लोगों को, ये जो पूरा रीजन है, ये जो मैं सर्किल पूरा कर रहा हूँ, ये रीजन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि जो पहली इनइक्वालिटी है इसके नीचे वाला कुछ नहीं हो सकता, पहली इनइक्वालिटी के अबव आपने करना है। तो अगर आपने कॉमन रीजन निकालना है तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन आपकी क्या है कि इस इनइक्वालिटी के ऊपर ही शेड करना है आपने, नीचे को शेड नहीं करना। इसका मतलब ये वाला रीजन सेटिस्फाई नहीं हो सकता, इस वाले रीजन को तो आप हटा दो पहली बार। और आपको कौन से रीजन नजर आ रहे हैं? ये वाला भी शेड नहीं हो सकता क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ये, सेकंड क्वाड्रेंट में तो आपने शेड ही नहीं करना भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आपने देखना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और कौन सा हिस्सा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला हिस्सा नहीं हो सकता क्योंकि तीसरी इनइक्वालिटी क्या कह रही है? अबव करो। ये वाला हिस्सा तो तीसरी इनइक्वालिटी के नीचे है, तो नहीं हो सकता। इसका मतलब तीसरी के ऊपर ही आपको करना है। अच्छा जी, फिर ये वाला हिस्सा आता है, ये वाला हिस्सा हो सकता है? नहीं हो सकता क्योंकि दूसरी इनइक्वालिटी क्या कह रही है? बिलो शेड करना है। तो दूसरी इनइक्वालिटी के तो अबव हिस्सा है, आपको तो बिलो शेड करना है। तो कहने का मतलब जो कॉमन रीजन है वो ये वाला आएगा। फिर रीजन है कॉमन आएगा। अगर आप इसमें देखो तीनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, तीनों कैसे सेटिस्फाई कर रहे हैं? अगर आप पहली इनइक्वालिटी को देखो तो पहली अबव है तो ये अबव हिस्सा है, दूसरी क्या कहती है? बिलो, तो ये उसके बिलो हिस्सा है, तीसरी क्या कहती है? अबव, तो अगर आप देखो ये हिस्सा उसके अबव। ये वो कॉमन रीजन है जिसमें तीनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बनाया, ये हिस्सा तो ऊपर भी जा रहा था, आप सब लेके जा सकते थे, लेकिन आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बनाना है। इसी तरह अगर आप देखो एक्स एक्सिस से थोड़ा नीचे वाला पार्ट भी है, वो भी मैंने शेड नहीं किया। ठीक है, ये तरीका होता है फिजिबल सॉल्यूशन मालूम करने का, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था। कोई सवाल है यहां तक? किसी का कोई कंफ्यूजन? अब रही बात, ये फिजिबल आपका सॉल्यूशन आ गया, जिसको फिजिबल रीजन कह लो, फिजिबल सॉल्यूशन कह लो, सॉल्यूशन स्पेस, सॉल्यूशन रीजन, सब इसी के नाम है। रही बात, आपको बोला था कॉर्नर पॉइंट निकालो। कॉर्नर पॉइंट क्या होता है भाई? ये रीजन आप इस तरह समझो, ये छोटी सी बाउंड्री है इसकी, ये वाली बाउंड्री है। ठीक है, ये मैं ब्लैक से शेड कर रहा हूं। अगर आप देखो ये, इसकी अगर मैं अलग से शेप बनाऊं ना, इस टाइप की शेप है, नीचे से हल्का सा इसका है बेस, फिर ये इस तरह जा रही है, फिर ये इस तरह जा रही है, और फिर ये इस तरह मिल रही है। ये जो पूरा रीजन है ना, इसको आप फिजिबल सॉल्यूशन कह रहे हो ना, इसी को आप शेड किया पूरा आपने। ये पूरा रीजन आपने क्या किया है? शेड किया है यहाँ पे। तो इसके कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं भाई? ये एक पहला कॉर्नर पॉइंट, इसको ए बोल देते हैं, ये दूसरा कॉर्नर पॉइंट बी है, ये तीसरा है सी, इसको आप डी कह लो। कहने का मतलब कॉर्नर कहाँ पे निकला हुआ भाई? सिंपल लैंग्वेज में कॉर्नर यहाँ पे क्या है? चार ही कॉर्नर आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, बाकी लाइन आपकी स्ट्रेट है। तो इन पॉइंट्स को आप क्या बोलोगे? कॉर्नर पॉइंट। अब इनके मालूम करने का तरीका भी होता है। कैसे? ये जो पहला कॉर्नर पॉइंट है ना, ये आप लोगों को नजर नहीं आ रहा क्योंकि डायग्राम काफी घिचमिच हुई हुई है। अगर आप लोग इसको बाद में अपने पेपर पे बनाओगे ना, तब मेरी बात समझ आएगी कि जो मैं लिखने लगा हूँ यहाँ पे। ये जो पहला कॉर्नर पॉइंट था ना, ये एक्स इंटरसेप्ट है पहली इनइक्वालिटी का। पहले इनइक्वालिटी का जो एक्स इंटरसेप्ट था ना, ये ए पॉइंट वो है। तो एक्स इंटरसेप्ट तो आपको पता था पहली इनइक्वालिटी का क्या है, इसको आप ए बोल दो। तो पहला कॉर्नर पॉइंट तो आपको मिल गया। ये आप लोग खुद डायग्राम बनाओगे तब आपको ज्यादा अच्छी तरीके से बात समझ आ जाएगी। दूसरा कॉर्नर, दूसरा पॉइंट जो है ना, वो एक्स इंटरसेप्ट है इनइक्वालिटी टू का। इनइक्वालिटी टू कहाँ पे? ये रही, इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या है, इसको आप बी बोल दो। अच्छा जी, ये जो सी पॉइंट है, ये तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये दूसरी इनइक्वालिटी का क्या है? वाई इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट आ गया। और ये जो आपको पॉइंट नजर आ रहा है, ये पहली इनइक्वालिटी का क्या है? वाई इंटरसेप्ट, पहली इनइक्वालिटी का वाई इंटरसेप्ट ये। तो ये आपके पास चारों कॉर्नर पॉइंट आ गए। अभी आप जब सीख लो कॉर्नर पॉइंट निकालने किस तरीके से, इनका यूज आपको 9.3 में समझ आएगा। तो अभी जो हमने काम किया है ना, ये काम कंप्लीट हो गया लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन समझने के लिए। क्यों? हमने फिजिबल सॉल्यूशन देख लिया कैसे निकालना है, और हमने देख लिया कॉर्नर पॉइंट हमें कैसे निकालना है। जब आप इस पे आ जाओ, दैट्स इट, आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। 9.3 आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, ये जो आपके पास इनइक्वालिटीज हैं, एक्स इज ग्रेटर देन 0, वाई इज ग्रेटर देन 0, इनकी भी आप एसोसिएटेड इक्वेशन बना सकते हो। जैसे इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी बच्चों? एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्या एसोसिएटेड इक्वेशन है इसकी? ये जो एसोसिएटेड इक्वेशन निकालते हैं, कैसे निकालोगे इनकी भाई? ये है सिंपल, एक्स इज इक्वल टू 0। एसोसिएटेड इक्वेशन में आपको क्या करना पड़ता है? इनइक्वालिटी का साइन हटा के इक्वल का डालना पड़ता है ना, तो वही किया। इसी तरह इसकी बता सकते हो, इसकी क्या होगी? y इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0, तो इनको भी आप ड्रॉ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये जो x इज इक्वल टू 0 है, क्वेश्चन बता सकते हैं लाइन कैसे ड्रॉ होगी? x इज इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होती
सर जो ओरिजिन को क्रॉस करेगी। एक्सेलेंट, ओरिजिन को क्रॉस करी लेकिन वो रैंडम नहीं, आप लोगों के सामने बनी नहीं है। ये जो वाई एक्सिस है ना बच्चों, ये जो वाई एक्सिस है इसकी इक्वेशन होती है एक्स इज इक्वल टू जीरो। क्यों इक्वेशन होती है? अगर आप वाई एक्सिस पे कहीं भी चले जाओ, एक्स वैल्यू जीरो होती है ना, दैट्स व्हाई वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या है, एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये पूरा आपका वाई एक्सिस है, इसकी इक्वेशन होती है एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो जो इन्होंने बोला ना एसोसिएटेड इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू जीरो, जैसे बाकी लाइंस भी आपने ड्रॉ किया ना, तो ये एक्स इज इक्वल टू जीरो कैसे ड्रॉ करोगे? ये बेसिकली वाई एक्सिस है, ये पूरी लाइन बनेगी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, तो सॉल्यूशन क्या था इसका? सॉल्यूशन था कि एक्स ग्रेटर देन जीरो हो। अगेन एक्स से ग्रेटर का मतलब राइट वाला रीजन। लाइन बनाई पहले, ठीक है? देखो जो लाइन वर्टिकल, ये लाइन जो है ये वर्टिकल है, ये लाइन जो है ये हॉरिजॉन्टल है। इनको अगर आप छोड़ो या सिंपल वर्टिकल लाइन को हटा दो, तो वर्टिकल लाइन के अलावा कोई भी लाइन होती है ना, वो उसको हम बोलते हैं कि अपर या अबव या बिलो, इस तरह हम बोल रहे होते हैं कि जैसे ये लाइन हम बोलेंगे अबव बिलो, इसी तरह हॉरिजॉन्टल अगर लाइन हम बोलेंगे अबव बिलो। जो वर्टिकल लाइन होती है ना उसमें अबव बिलो की वर्डिंग हम यूज नहीं करते, हम राइट लेफ्ट यूज करते हैं। ये लाइन वर्टिकल है इसके राइट पे या इसके लेफ्ट पे, ठीक है? तो अगर ग्रेटर वाली इनइक्वालिटी है इसका मतलब राइट की तरफ आप शेड करोगे, और अगर लेस वाली है तो आप लेफ्ट की तरफ करोगे। तो यहाँ पे ग्रेटर वाली इसका मतलब ये पूरा रीजन शेड होगा, लेकिन बाकी चीजों को भी आपने ध्यान में रखना है ना, बाकी भी इंटरसेक्शन है सब। इसी तरीके से वाई इज इक्वल टू जीरो किसकी इक्वेशन होती है? एक्स एक्सिस की होती है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे आप कहीं भी चले जाओ y की वैल्यू हमेशा जीरो होती है। तो ये x इज y इक्वल टू जीरो, ये वाली लाइन है पूरी। और अगेन y ग्रेटर है तो इसका मतलब अबव वाला रीजन होगा, अबव वाला ये रीजन है। तो कहने का मतलब है जो आपका फिजिबल सॉल्यूशन आया था, इसकी बेस आपने यहां से स्टार्ट करनी है और यहाँ पे खत्म करना है आपने इसको। खत्म करने का मतलब ये पीछे नहीं जा सकता, क्योंकि अगर ये पीछे चलेगा तो फिर इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये इनइक्वालिटी कह रही है ग्रेटर होना चाहिए, तो दैट्स वाई मैंने यहां तक इसको रोक दिया, वरना ये पीछे भी जा सकता था। अगर आप ये दो नहीं लगाते ना, जस्ट तीन मेरे पास आती है, तो आप इसका सॉल्यूशन पीछे भी जा सकता था पूरा, कहीं भी आप इसको ले जाओ, ठीक है? लेकिन इनकी वजह से अब मैं रिस्ट्रिक्ट हो गया कि यार नहीं, मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रखना है। ये असल कॉन्सेप्ट है कि आप इस तरह इनइक्वालिटीज को ड्रॉ करते हो। कोई सवाल है तो पूछ लो, 9.2 के सवाल आप लोग कर सकते हो, कोई तो मसला ही नहीं है बाकी सवालों को करने में। जब एक कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया, यही सवाल बार बार आपको बोले। मैं एक और एक आइडिया दे दूंगा, एक सवाल थोड़ा मसला कर सकता है, उसका आईडी दे दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, कोई सवाल है तो देख लो, पूछ लो। जो मैं आप लोगों को बात बताना चाह रहा हूँ ना, वो आप लोगों को ये बुक की एग्जाम्पल है, उसमें इनइक्वालिटीज दिखने में तो इजी लग रही है लेकिन कंफ्यूजन हो सकती है, तो वही मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। वो आपको मिलेंगी पेज नंबर 278 पे। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल में अभी जो वर्डिंग लिखी हुई है ना मैक्सिमाइज, अगर आप देखो एग्जाम्पल नंबर 3 में, एग्जाम्पल नंबर 2, 1 सब में ही लिखा हुआ है कि मैक्सिमाइज, और एक जेड कलर का लिखा हुआ है, जेड इक्वल टू एक्स माइनस 9 वाई, इसको मिनिमाइज करना है आपने। तो कहीं लिखा हुआ है मैक्सिमाइज, कहीं लिखा हुआ है मिनिमाइज, ये बात आपको अभी समझ नहीं आएगी, 9.3 का टॉपिक है, ठीक है? तो अभी इसको जेड वाली चीज को इग्नोर कर दो, इसका सवाल में कोई लेना देना नहीं है 9.2 के अंदर, इसका लेना देना आएगा 9.3 के अंदर। तो बहरहाल अगर आप इनइक्वालिटीज देखो ना, एग्जाम्पल नंबर 3 पेज नंबर 278 पे, तो ये इनइक्वालिटीज लिखी हुई है। तो ये तो इसका तो मैंने मतलब बता दिया आपको, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में चीजें होनी चाहिए, ठीक है? मतलब यहां से ये ओरिजिन है ना आपका, आपका जो सॉल्यूशन है वो स्टार्ट कहां से हो सकता है? वो इस ओरिजिन से स्टार्ट हो सकता है, इस वाले पॉइंट से इधर जा सकता है, इससे ऊपर, मतलब इस लाइन के ऊपर भी हो सकता है, इस लाइन के ऊपर, इसी तरह इस लाइन के ऊपर, या इसके अंदर। ये जो पूरा है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसके अंदर सॉल्यूशन होना चाहिए। ये जो इनक्वालिटीज है इनका मतलब ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही सॉल्यूशन हो, ठीक है? इसको तो हमें डील करना आता है। सवाल ये कि इसको भी आप लोग सॉल्व कर लोगे, इसमें एक्स इंटरसेप्ट निकालोगे 24 आएगा, वाई इंटरसेप्ट निकालोगे तो 16 आएगा, आ रहा होगा। तो इसको तो आप ड्रॉ कर सकते हो इस लाइन को। सवाल ये कि स्टूडेंट बता सकते हैं कि मैं इस लाइन को कैसे ड्रॉ करूंगा, इस इनइक्वालिटी की जब आप एसोसिएटेड इक्वेशन निकालोगे तो क्या आएगी? इक्वल टू 15 आएगी भाई, इसमें कंफ्यूज होने वाली क्या बात है? एसोसिएटेड इक्वेशन अभी पूछ रहा हूँ, एक्स इज इक्वल टू 15 आएगी इसकी। कोई स्टूडेंट बता सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 15 ड्रॉ कैसे होगी लाइन? इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालोगे? इसमें नहीं निकाल सकते,
क्योंकि आपको इस सिचुएशन में वाई नजर नहीं आ रहा, निकाल सकते हो लेकिन नजर नहीं आएगा आपको, और इसमें निकालोगे तो मसला होगा आपको। तो याद रख लो, जिस इक्वेशन में खाली इस तरह आ रहा है ना, एक्स इज इक्वल टू 15, आपके पास लिखा हुआ एक्स इज इक्वल टू 15, जैसे ये वाली लाइन जो है वाई एक्स, इसकी इक्वेशन क्या है, एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये एक्स इज इक्वल टू 15 कहाँ पे होगी भाई? ये वो लाइन होगी जो बिल्कुल वाई एक्सिस के पैरल होगी और वो एक्स को 15 पे क्रॉस कर रही होगी। कंसीडर कर लो, अगर ये 15x है ना, तो वो लाइन इस तरह ड्रॉ होगी वर्टिकल। इक्वेशन क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू 15। तो याद रखो, जिस इक्वेशन में जस्ट एक्स आ रहा है ड्रॉ होगी वर्टिकल ड्रॉ होगी, ठीक है? और एक्स इज इक्वल टू 15 का मतलब एक्स एक्सिस पे जो 15 पॉइंट होगा उससे वो लाइन क्रॉस कर रही होगी और वर्टिकल लाइन होगी, ठीक है? इसी तरीके से कोई स्टूडेंट बता सकता है इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन? y इक्वल टू 10 10। अब ये कैसे ड्रॉ होगी, क्या लगता है? ये हॉरिजॉन्टल रहोगी 10 पर y एक्सिस में। वाई एक्सिस का 10 मालूम करो, कंसीडर कर लो यहाँ पे 10 है, ये लाइन इस तरह ड्रॉ होगी इस तरीके से। तो ये तो आपने इनके एसोसिएटेड इक्वेशन बना ली, अब इनका शेड कैसे करोगे? तो ये क्या कह रही है इनइक्वालिटी, ये कह रही है एक्स 15 से लेस होना चाहिए। अगेन वही बात मैंने बताया, अगर वर्टिकल लाइन है तो लेस का मतलब लेफ्ट के ऊपर, और ग्रेटर का अगर होता है यहाँ पे तो ग्रेटर का मतलब राइट के ऊपर। तो एक्स इज लेस देन 15 मतलब ये वाला रीजन, और दूसरी कह रही है वाई इज लेस देन 10, ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेस का मतलब बिलो जाना है आपने, ठीक है? तो इस इनइक्वालिटी से नीचे जाना है और इसके आपने इधर जाना है। कहने का मतलब अगर इन दो को आप सॉल्व करो ना, तो ये वाला रीजन आ रहा है। सिर्फ आप इन दो को सॉल्व करो, इन दो को और इसको, मतलब इन तीन को अगर मैं कंबाइन करूँ ना, तो ये वाला हिस्सा है इसका। क्यों, आखिरी वाली तो आपको कह रही थी कि ऊपर और यहाँ पे साइड पे, तो अगर आप देखो बिल्कुल ये वाला रीजन है, मैंने यहाँ पे इनको रखा है। और ये दो क्या कह रही है, 15 से कम, और ये वाली क्या कह रही है, नीचे। तो अगर आप सिर्फ इन तीन को ड्रॉ करो ना, तो इनका इंटरसेक्शन ये है, लेकिन आपने इसको भी ड्रॉ करना है, ठीक है? अगर आप इसको ड्रॉ करोगे, इसमें अगर आप देखो एक्स 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 इंटरसेप्ट आ रहा है 24, तो 24 पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा, और वाई इंटरसेप्ट आ रहा है 16, 16 पॉइंट कंसिडर कर लो कहीं यहाँ होगा। तो ये लाइन तकरीबन इस टाइप की ड्रॉ होगी, तो ये देख लेना कैसे ड्रॉ होगी, और इसके लेस वाला रीजन आपको शेड करना होगा। हाँ, तो तकरीबन ये छोटा सा पार्ट जो है इसको मिटा दो, रीजन जो है ये आपका सॉल्यूशन होगा। इस लाइन के नीचे ना, इस लाइन के नीचे ये पूरा रीजन है ये वाला। तो अगर आप देखो इन तीनों इनइक्वालिटीज को आपने पहले ड्रॉ करना है और इस तरह आप शेड करोगे। ये बुक में भी उन्होंने ड्रॉ किया हुआ है, मजीद अगर आपको अच्छी डायग्राम चाहिए तो बुक पर उन्होंने ड्रॉ की भी, आप उस तरह भी देख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट किस टाइप का बनेगा, मतलब शेप आपकी कैसे बनेगी, नीचे से इस तरह है, फिर इस तरह है, हल्का सा आपको एक कर्व नजर आ रहा है लाइन का, मतलब इस टाइप का नजर आएगा यूं करके, फिर सीधी होगी और फिर इस तरह बनेगी, ये यहाँ पे रीजन है इस टाइप का। या बुक में डायग्राम देख लो, बुक में डायग्राम आपको नजर आ रही है पेज नंबर 99 पे, तो देखना बिल्कुल ऐसे ही रीजन है मैंने यहाँ पे बनाया। तो कॉर्नर पॉइंट क्या होंगे, एक ये वाला पॉइंट होगा, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक ये वाला, यहाँ पे 5 कॉर्नर पॉइंट हो जाएंगे, सही है? तो ये थोड़ा मुश्किल लगा था मुझे कि शायद आप लोग को लाइन ड्रॉ करना ना आए, तो मैंने बता दिया लाइन किस तरह ड्रॉ होगी। बाकी तो बच्चों कोई भी चीज नहीं है इसके अंदर, 9.2 के अंदर एक दो क्वेश्चन ट्राई कर लेना, क्वेश्चन नंबर 1 के, क्वेश्चन नंबर 2 के, मजीद प्रैक्टिस के लिए, तो 9.2 आपके आसानी से हो जाएगा।